शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। जयपुर शिक्षा विभाग में तबादला नीति के कवायद शुरू। शिक्षा विभाग ने नीति के लिए प्रारूप तैयार किया है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को भी लंबे समय से तबादलों का इंतजार। 85,000 शिक्षक कर रहे हैं आवेदन के बाद तबादलों का इंतजार। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए तबादला नीति पर कवायद बढ़ेगी। आज योगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? तबादलों को लेकर एक लंबा इंतजार जो है वो थर्ड ग्रेड के शिक्षक कर रहे हैं। जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं, बाकी शिक्षकों के कई तबादले किए गए हैं। ऐसे में पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी ये वादा किया था कि जल्द ही जो है थर्ड ग्रेड की एक तबादला नीति बना करके और शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इसके बाद में एक तबादलों के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों के और प्रबोधकों के करीब 85,000 आवेदन जरूर लिए गए थे, लेकिन तबादला जो है वो नहीं किया गया था। जब शिक्षा मंत्री के तौर पर बी कल्ला ने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि तबादला नीति से ही तबादले किए जाए, क्योंकि इस तरीके से आरोप लगते हैं तबादलों को लेकर के, तो वैसे में शिक्षा विभाग भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी जो है ये जानकारी आई है कि एक प्रारूप जो है वो फाइनल कर लिया गया है, किस तरह की जो तबादला नीति होगी उसे अमल में यहाँ पर लाया जाएगा और सर जो अब कवायद है वो शुरू होने वाली है। ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो 85,000 आवेदन हैं उसमें से तबादले जो है वो यहाँ शिक्षा विभाग कर सकता है और उसे लेकर के जो एक कोशिश है कवायद है वो शिक्षा विभाग की तरफ से फुल फाइनल तरीके से शुरू हो चुकी है और आने वाले वक्त में जो प्रदेश के थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं उन्हें भी तबादलों का जो लाभ है वो मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो शिक्षक हैं वो अपने गृह जिलों में जाना चाहते हैं, गृह क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है और लंबे समय से बाढ़ जो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो उम्मीदें हैं उनका जो इंतजार है वो आने वाले दिनों में खत्म हो सकता है। महेश, तबादला नीति की अगर हम बात करें तो उसकी कवायद आगे बढ़ेगी कब तक? आगे बढ़ेगी कब तक, ये क्लियर कर दिया जाएगा? देखिए एग्जैक्टली ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी प्रक्रिया में जो है कहा जा सकता है कि तबादला नीति को लेकर एक शुरुआत हुई है, तो पहला स्टेप जो है इसे कहा जा सकता है कि एक कदम जो है शिक्षा विभाग ने इस दिशा में बढ़ा दिया है। प्रारूप अगर तैयार हो जाता है तो उसके बाद में चीजें बहुत आसान होती है और ऐसे में इस दिशा में आगे बढ़ना विभाग के लिए बहुत जो है आसान हो जाता है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग ने इस दिशा में अपनी कवायद शुरू कर दी है और उम्मीद की जा रही है। देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े जो सूत्र सामने आ रहे हैं, जो संकेत सामने आ रहे हैं, उसमें ये साफ देखा जा रहा है कि अब तबादला नीति पर उन्होंने कवायद आगे बढ़ा दी। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये क्लियर होता है।